जनवादी लोकतांत्रिक पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ठोकी तार। चकिया विधानसभा से अंजुमन देवी को उतारा मैदान में। खबर चंदौली जनपद के चकिया विधानसभा के घोड़सारी गांव से, जहां पर आगामी विधानसभा पार्टी को लेकर जनवादी लोकतांत्रिक पार्टी ने ताल ठोक दिए। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर श्रीवास्तव ने बताया कि पार्टी जोरों शोरों पर प्रचार प्रसार कर रही है। विधानसभा चुनाव में पार्टी क्षेत्र की बेटी भावी विधानसभा प्रत्याशी अंजुमन देवी बड़ी पार्टियों को टक्कर देकर जीत हासिल करेंगे। साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सोनू दुबे ने बताया कि पार्टी गांव-गांव जाकर जनसंपर्क का कार्य कर रही है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में हमें मजबूती मिल सके। देखिए हमारे संवाददाता सुजीत कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम सोनू दुबे, मैं भदोही से मिलान करता हूँ, लोजपा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कार्यक्रम रहा, उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम था हमारी बहन अंजुमन जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे चंदौली विधानसभा में कार्यक्रम रखा गया है चकिया में, और ये स्वागत समारोह का कार्यक्रम था। इसी कड़ी में बहुत बड़ा दुखद घटना हुआ है, आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक RCS पटेल जी का इसकी ट्रेन में देहांत हो गया है। तब पर भी हम लोगों को कार्यक्रम करने का एकदम विचार नहीं था, लेकिन अब भाई कार्यक्रम टाला नहीं जा सकता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी। क्या आपको लगता है कि प्रदर्शन आप कर पाएंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? भाई साहब, हम आगामी विधानसभा में 403 विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अभी तो समय बताएगा प्रदर्शन हम करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और कैसी तैयारियां हैं, क्या क्या करेंगे? तैयारियां हम लोग पूरे बूथ स्तर से काम कर रहे हैं, हर जिलों में संगठन हमारा काम कर रहा है। संगठन को मजबूती देते हुए हम लोग प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किए हैं 17 दिसंबर को दूसरा वर्षगांठ के मौके पर लखनऊ में। पूरी तैयारी के साथ हम लोग लगे हैं, मिशन 2022 लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी का होगा, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मैं चंदौली जिले के मिल्कीपुर ताहिरपुर के रहने वाला हूँ, प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव। किस पार्टी? लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी। यहाँ क्या कार्यक्रम रहा और क्या उद्देश्य है? यहाँ आपस में परिचय सम्मेलन है, और यहाँ पर मैंने अपनी पार्टी के लिए यहाँ महिला उम्मीदवार की घोषणा करने आया हूँ, श्रीमती अंजुमन जी। उम्मीदवार कैसे, किस चीज़ का उम्मीदवार? विधानसभा प्रत्याशी 383 चंदौली चकिया विधानसभा। क्या लगता है आपको, आपकी पार्टी क्या करेगी, जहाँ पर यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, बीजेपी है, सपा है और बहुजन है, उनको कैसे टक्कर दे पाएंगे आप? हमारी पार्टी जो है कोई इसमें बड़े नेता नहीं है, ये घर के ही बेटा है, एक दूसरे को समस्या को जानते हुए भी हम लोग इस मैदान में उतरे हैं, ताकि जन जन जो भी सुविधाएँ हैं उनको दे सके, हवा हवाई बातें ना हो। क्या आपको क्या लगता है, जनता आपकी सुनेगी? जनता बेशक सुनेगी, घर के बच्चों को नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? नहीं, जातिवाद राजनीति है, देखिए इसको लेकर क्या करेंगे? हम लोगों को जातिवाद राजनीति खत्म करना है, हम लोगों को अपनी पार्टी के मुहिम के साथ में चलना है, न इसमें कोई जाति है, न प्रथा है, न सब एक, हम लोगों का मकसद है सबका सम्मान, सबका विकास।